नमस्कार, आज हम डिस्कस करते हैं एनामली स्कैन या लेवल टू अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसको हम कब कब करते हैं और इसके क्या इम्पोर्टेंस है। इस अल्ट्रासाउंड को हम 4.5 से 5 महीने के बीच में करते हैं। इस समय ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स सारे अंग बन जाते हैं। 20 वीक्स के बाद बच्चा केवल साइज में ग्रो करता है। इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं, इसमें आधे घंटे से पौना घंटा इस अल्ट्रासाउंड में लगता है। तो जब भी आप जाएंगे, अपना रूटीन ब्रेकफास्ट लंच करके जाएंगे और तसल्ली से जाएंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, जिससे कि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड आराम से बैठ के कर सके और जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बता सके। लेट्स स्टार्ट द अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे के हेड देख लेते हैं, बच्चे का सिर सही से बना है, उसकी शेप सही है या नहीं है, सिर से कोई डिफेक्ट तो नहीं निकला है। बीपीडी ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं और बच्चे के दिल के चारों चैम्बर चेक कर लेते हैं कि उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हैं या नहीं है। बच्चे की सारी हाथ चेक कर लेते हैं, उसकी सारी फिंगर्स काउंट कर लेते हैं, 5 फिंगर्स हैं या नहीं है। बच्चे की लॉन्ग बोन्स जैसे कि थाई बोन, लेग्स बोन चेक कर लेते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉमन एनामलीज़ की बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन एनामलीज़ जैसे कि हेडोकेफेलस, मेनंजियोसील, एनसेफेलोसील बहुत ज़्यादा कॉमन। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सिर में पानी भर जाता है, जिसे हम हेडोकेफेलस कहते हैं। और कभी कभी बच्चे के सिर में कोई डिफेक्ट होता है, जिससे कि बच्चे का ब्रेन जो होता है, ब्रेन और मेनंजीज जो बच्चे का दिमाग होता है, वो पीछे की तरफ बाहर निकलने लगता है, जिसको हम एनसेफेलोसील कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कमी होती है बच्चे में, जिसको हम चेक करते हैं डिटेल्स में। बच्चे की आँख देखते हैं, आँख बराबर बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। बच्चे के होंठ देखते हैं, होंठ कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, जिसे हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी बोलते हैं। और इसके बाद हम बच्चे की पूरी रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं ऊपर से नीचे तक, उसमें कहीं डिफेक्ट तो नहीं है। बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, वो सही मात्रा में है या कम है या ज़्यादा है। बच्चे के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, स्टमक चेक कर लेते हैं कि उनमें अंगों में कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से हम सारे ही ऑर्गन्स बच्चे के अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। क्या इस अल्ट्रासाउंड से सारी प्रॉब्लम पिकअप हो सकती है? नहीं। पेशेंट भी सोचता है कि इस अल्ट्रासाउंड हमने ये अल्ट्रासाउंड करा लिया है तो हमारे बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, कोई भी कमी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस अल्ट्रासाउंड की भी लिमिटेशन होती है, टेक्निकल इशू होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां हम इस अल्ट्रासाउंड में भी ढूंढ नहीं सकते। जैसे कि हार्ट की 50% प्रॉब्लम इस अल्ट्रासाउंड से पता नहीं कर सकते। अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम पिकअप होती है तो हम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम लैब के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम लैब के साथ कंपेटेबल नहीं है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो बच्चा अकेले ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ऐसे प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेशन करने की एडवाइस करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है जिसका कि इलाज संभव है, बच्चे के जन्म के बाद उसको हम ऑपरेशन से करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप है, पॉलीडेक्टाइली है, 5 की जगह 6 फिंगर हैं, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करने की एडवाइस देते हैं। लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अल्ट्रासाउंड बार बार कराने से बेबी को नुकसान पहुँच सकता है, परंतु अल्ट्रासाउंड 100% सेफ होता है। इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। नुकसान जो पहुँचता है वो एक्सरे की किरणों से पहुँचता है। अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई भी किरण नहीं होती है जिससे कि बच्चे को नुकसान हो। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे के लिए सेफ होती है। लास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते। जिसके घर में भी प्रेग्नेंट महिला है, उसको 5वें महीने के अंदर, मतलब कि 20 वीक्स के अंदर आके ये अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, तो जिससे कि हमें MTP एक्ट के अंदर 20 वीक्स के अंदर लीगली अबॉर्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।